नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आज सुबह 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में गरिमामय तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस के इस मुख्य कार्यक्रम में आज सीएम बघेल ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद अभी इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 32 जिले हो जाएंगे और साथ ही 18 नई तहसीलें होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को भी जिला बनाया जाएगा। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 32 जिले हो जाएंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा भी की है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की और तहसीलों का नाम अभी नहीं बताया गया है और ये समय समय पर सामने आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गांव की आबादी भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने के लिए आयु सीमा का बंधन खत्म करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन है। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु सीमा के इस बंधन को समाप्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों में 2500 से अधिक युवाओं की भर्ती करने की भी जानकारी दी और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरुआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति अपनाई है। मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों के उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए ही विकसित किया जाएगा और ये मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।